हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कैसे हो आप लोग। तो भाई साहब, आज हम बात करने वाले हैं न्यू कार के बारे में, सिट्रियन के बारे में। सिट्रियन फ्रेंच की कंपनी है। सिट्रियन C3 की हमारे सामने शाइन वेरिएंट खड़ा है, टॉप मॉडल है, शाइन वेरिएंट है। 4 मीटर की सारी ही सारी गाड़ियों को टक्कर देती है ये वाली गाड़ी। सिट्रियन की C3 है और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, शाइन नाम से टॉप वेरिएंट है ये इसका। 4 मीटर की सभी गाड़ी जो भी है, बलिना हो गई हमारी, स्विफ्ट हो गई, और जो 4 मीटर के अंडर i20 जैसी गाड़ियों को फुल बीट करती है, पूरी टक्कर देती है। फीचर्स तो ओवरलोडेड है, गाड़ी ओवरलोडेड है, और बहुत ही कम प्राइस रेंज के साथ ये वाली गाड़ी ऑफर होती है। इसकी प्राइसिंग बता दे रहा हूँ, एक्स शोरूम प्राइस के 7,75,000 रुपये है। 7,75,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस, फीचर भर भर के दिए गए हैं। इसकी डायमेंशंस इतनी बढ़िया है कि यानी कि पंच जैसी गाड़ी को बीट करने के लिए तैयार खड़ी है गाड़ी। और डायमेंशंस होने के साथ साथ लुक्स और सारी चीज़ें, फीचर्स के मामले में इतनी लोडेड गाड़ी है। वन बाय वन करके सारी डिटेल्स देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मेरे चैनल को। ओके, अब गाड़ी की वीडियो को हम बहुत ही डिटेल्स में शुरू करते हैं, वन बाय वन करके एक एक डिटेल के बारे में बात करेंगे। ओके, तो भाई साहब, सबसे पहले इसके जो लुक्स देख रहे हो ना आप, मैं इसके सबसे पहले विड्थ बताना चाहूंगा। जो इसकी चौड़ाई है 1733 mm की, 1733 mm की इसमें आपको चौड़ाई देखने के लिए मिल जाती है, 1733 mm की, यानी कि चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, डायमेंशंस बहुत अच्छे मिल रहे हैं। फ्रंट लुक की बात करें, इस तरीके की एक अलग ही ग्रिल मिलती है, ब्लैक कलर का नीचे ग्रिल टाइप का मिल जाता है, और सबसे नीचे स्क्लिट प्लेट, और यहाँ पे एक DRL का जो डिज़ाइन देखा गया है LED में, और ये सिंगल बोल हमारा देखने के लिए मिल जाता है। ऊपर ये यहाँ पे इंडिकेटर और नीचे अपना फोग लैंप मिल जाएगा देखने के लिए। नीचे स्क्लिट प्लेट मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लैक कलर की ग्रिल है। ये जो फ्रंट का लुक है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। वहीं इसकी तो फ्रंट के लुक के हमने सारी बात कर ली है, वहीं हम साइड प्रोफाइल की भी बात करेंगे थोड़ी सी। और कमेंट में आप मुझे भी बताना कि फ्रंट लुक से गाड़ी कैसी लग रही है। साइड से देखेंगे, सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा लेंथ, 3981 mm की लेंथ मिल जाती है इस गाड़ी में आपको देखने के लिए, यानी कि 3981 mm की लेंथ, जो कि मतलब लेंथ के मामले में व्हील बेस भी बहुत बढ़िया तगड़ा वाला मिल रहा है इसके अंदर। 2540 mm का व्हील बेस मिलेगा इस गाड़ी के अंदर आपको, क्योंकि आपका लेग रूम आपको बड़ा स्पेसियस, बड़ा फील बना के देता है, यानी लेग रूम नी रूम के यहाँ पे कमी नहीं आती। 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाता है, यानी कि पंच जैसी गाड़ियों से नहीं, बिल्कुल नेक्सोन नेक्स्ट लेवल वाली गाड़ियों से, ऊँची गाड़ियों से कंपेयर करो, इतना बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है इस गाड़ी में। ब्लैक कलर की क्लाइटिंग है एंड टू एंड, वहीं आ जाते हैं इसके टायर्स के ऊपर। तो टायर में देखो, डायमंड कट अलॉयस में आपको अलॉयस देखने के लिए मिल जाते हैं 15 इंचेस के, ठीक है, 15 इंचेस के डायमंड कट अलॉय की प्रोफाइल ये देखने के लिए पूरी की पूरी मिल जाती है। आगे डिस्क ब्रेक, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलेंगे, प्लस ABS एंड प्लस EBD इसमें आपको मिल जाती है। वहीं इसमें डबल टोन में गाड़ी का कलर दिया गया है यहाँ पे देखो, और ऊपर रूफ देखो ग्लॉसी ब्लैक है, यानी कि रूफ रेल ये पूरी रूफ जो है ग्लॉसी ब्लैक है। फर्स्ट एंड सेकंड कलर भी पूरे ब्लैकआउट मिलेंगे। आ जाते हैं ORBM पे, इसके इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको इसमें आपको मिल जाते हैं ORBMs। तो इतने सारे फीचर्स, मतलब साइड प्रोफाइल देख रहे हो और कितने ज़्यादा धांसू लग रही है, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके की ग्राफिक्स भी जो कंपनी की तरफ से ही ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके फ्यूल फिलर कैप के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। इसमें आपको फ्यूल फिलर में 30 लीटर का फ्यूल फिलर कैप इसमें आपको मिल जाता है, यानी बहुत बढ़िया है। पीछे की प्रोफाइल के लुक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, साइड से हो गए हमारे, फ्रंट से हो गए, पीछे से और थोड़ी सी बात करना चाहेंगे हम। पीछे से आ जाओ भाई साहब, यहाँ पे सिट्रियन का बड़ा सा आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, C3 के यहाँ पे मार्किंग भी दिख रही होगी, ये रही, ठीक है। यहाँ पे देखो वाइपर डिफोगर मिल रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, ऊपर आपको ग्लॉसी ब्लैक, और नीचे सिट्रियन के यहाँ नीचे देखो कैमरा भी है, नंबर प्लेट के ऊपर लाइटिंग का भी सेटअप दिया गया है। तो ये चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया है, दो पार्किंग रिवर्स सेंसर्स मिल जाते हैं, ये हो गई। अब आ जाते हैं इसके टेल लाइट के असेंबली के ऊपर। जो टेल लाइट का डिज़ाइन है यहाँ पे बिल्कुल हैलोजन में मिल रहा है, ये इंडिकेटर हो गए, हमारे टेल लैंप्स हो गए, ठीक है। ये सारी चीज़ें देख लो, कितने यूनिक डिज़ाइन में सिट्रियन के यहाँ पे मार्किंग भी है, ये बहुत ज़्यादा बढ़िया चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो भाई साहब, ये मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बता दी, बार बार से हमारी पूरी गाड़ी हो गई है। अब थोड़ा सा हम अंदर से भी बात करेंगे गाड़ी के बारे में कि अंदर से क्या क्या हिसाब किताब देखने के लिए हमें मिलता है। तो भाई साहब, सबसे पहले इस तरीके का माहौल है, पूरा ब्लैकआउट देखने के लिए मिल जाता है। मगर दो चीज़ें हैं ब्लैकआउट के अलावा, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ पे देखो बीच कलर यहाँ पे मिल जाता है देखने के लिए, सबसे पहले बीच कलर यहाँ पे एक डार्क ग्रे इस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जो कि बड़ा धांसू सा, बड़ा यूनिक सा है। ग्लॉसी ब्लैक भी है, बीच भी है और ग्रे भी है, ठीक है। 2 पावर विंडो स्विचेस अवेलेबल, ये मत सोचना कि चारों पावर विंडो नहीं है, 2 पावर विंडो के स्विच आपको अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। 4 पावर विंडो हैं और
चारों स्पीकर्स मिलेंगे चारों दरवाजे पे आपको, बीच कलर के यहाँ पे इस तरीके की प्रेजेंटेशन मिलेगी। इसमें स्पीकर मिलेंगे चारों दरवाजे पे, ठीक है, ये हो गया। ORBMs के कंट्रोल यहाँ पे आपको दरवाजे पे देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, तो वो छिपे हुए हैं, वो मैं बता देता हूँ। गाड़ी के जो ORBM कंट्रोलर्स हैं वो आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके बराबर में जो आप ये वाला बटन देखें डीएक्टिवेट पावर विंडो को करने के लिए, ये वाला स्विच यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। यानी कि दरवाजे से हटा के चीज़ें अंदर दे दी गई हैं। सीट्स के बारे में बात करेंगे, सीट्स देख लो भाई, इससे पहले चाबी देख लो। चाबी इतनी प्रीमियम सी सिंपल सी मिलती है, बट इसके अंदर लोकल लॉक का सेंटर लॉकिंग के सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाता है। ये पीछे की तरफ दो बटन, ठीक है, यहाँ से मिल जाता है। सीट्स पे आते हैं, हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइनर, सारे के सारे भाई साहब इसमें फीचर्स मिल जाते हैं। अंडर थाई सपोर्ट भी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से देख लो आप, कहीं से कहीं तक कोई कमी नहीं आने वाली। व्हील बेस इतना तगड़ा मिल रहा है 25 से 40 mm का, अंदर बैठ जाते हैं, अंदर बैठ के देखते हैं। तो भाई साहब यहाँ से इस तरीके का पूरा माहौल हमका फ्रंट वाले कैबिन में देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से क्लस्टर ओपन कर दे, क्लस्टर ओपन करके आपको फील आएगा थोड़ा रेनॉल्ट की क्लाइंबर वाला, यानी कि क्विड जैसे क्लस्टर इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है, मिलता जुलता उससे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके बाद हमारे स्टेयरिंग व्हील पे। स्टेयरिंग व्हील बड़ा छोटा सा इसमें आपको देखने को मिलता है, स्पोर्टी वाला। ये चालू हो गई है हमारी लाइटिंग, ओपन हो गई, स्पोर्टी वाला बड़ा छोटा सा यहाँ पे मिल जाता है। स्टेयरिंग देखो कितना छोटा, ठीक है, दो ब्लान नहीं आ रहा पूरा, दो ब्लान चलाने, बड़ा सॉफ्ट है, एकदम इलेक्ट्रिकल असिस्ट है, बड़ा मस्त है एकदम। कुछ कंट्रोल्स भी आपको इसके ऊपर देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, जैसे कि वॉइस कमांड का है, मल्टीमीडिया, टेलीफोन है, ये तीन कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। बीच में मार्किंग है सिट्रियन की, एडजस्टमेंट और देख लेते हैं, एडजस्टमेंट है इस गाड़ी के अंदर, ये रही टिल्ट है, टेलीस्कोपिक नहीं है एडजस्टमेंट। यहाँ पे लाइट के स्ट्रोक्स हैं हमारे, और यहाँ पर आपको वाइपर के स्ट्रोक्स मिल जाते हैं देखने के लिए। अब इसके बाद हो इस पर आ जाते हैं, 10.25 inch का बहुत ही बड़ा सा यहाँ पे आपको TFT देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि साउंड की आवाज़ की जो क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। एंड्रॉयड एप्पल ऑटो कार प्ले वायरलेस चलता है, दो एयरबैग मिल रहे हैं यहाँ पे एक वहाँ पे, ठीक है, 10.25 inch की इस, ठीक है, बस ये बहुत ही बढ़िया चीज़ मिल रही है। और एक चीज़ इसके अलावा जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, नीचे आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ पे हमारे एसी के वेंट्स और यहाँ पे कुछ कंट्रोल्स मिल जाए। मैनुअल एसी मिलता है इसमें आपको, ये 1000 लाइट का स्विच है, यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलेगा, USB का पोर्ट भी है, तो यहाँ से आप मल्टीमीडिया अपना पूरा कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, नीचे छोटा मोटा स्पेस यहाँ पे मिल जाता है, 2 कप होल्डर भी है, और यहाँ पे भी स्पेस मिल जाता है, ठीक है। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है ये वाला जो आप देख रहे हैं, IRBM है, मैनुअली एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसको। यहाँ पे एक लाइट है, छोटा सा माइक भी दे रखा है, और यहाँ पे माइक है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, कार्ड होल्डर्स मिल जाता है, यहाँ पे मिलता है आपको मिरर, ठीक है। इतनी बातचीत हो गई हमारी बढ़िया, और यहाँ पे जो स्पेस है इसको अगर थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया जाता तो यहाँ पे सामान वामान रखने के लिए हमारी जगह बन सकती थी, बट ये भी बड़ा बढ़िया लग रहा है सिल्वर कलर में। ग्लोबॉक्स की डेप देख लो, बढ़िया है, दो दो तीन तीन यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर भी मिल जाएगा, और यहाँ पे बढ़िया ये क्या रखा है, ये तो कुछ ऐसे ही इसके कंपनी की तरफ से रखा हुआ ये चीज़ है। गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है, ऊपर से कोई भी एक्सेसरीज का काम नहीं है। पीछे का कैबिन देख लो, मैं वो भी दिखा देता हूँ। डोर ट्रिम हमारा पूरा सेम है, यहाँ पे कुछ इस तरीके के ग्लास टाइप का सा डिज़ाइन बना रखा है। अंदर के जो सीट है की चौड़ाई देख लो, तीन बंदे आराम से बैठ जाएंगे, यानी कि अंडर थाई सपोर्ट देख लो। 25 से 40 mm का व्हील बेस मैं आपको बता रहा था, बहुत ही बड़ा एरी है, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेस है, यहाँ पे फ़ोन चार्ज करने के लिए पोर्ट दे रखा है, यहाँ से आपको चार्ज कर सकते हो फोन। 2 पावर विंडो के स्विच भी हमें देखने के लिए आपको मिल रहा है। ये हो गया हमारी गाड़ी। अब बूट स्पेस की बात कर लेते हैं। बूट स्पेस में आपको बहुत ही बड़ा सा मिल जाता है, 315 लीटर का बूट स्पेस, जो कि बहुत ही बढ़िया अपने आप में हो जाता है। टाटा पंच को पूरी टक्कर दे दिए। 3-3 kg के दो हुक्स दे रखे हैं, घेरा यहाँ पे और एक घेरा, 3 kg के आपने सामान वगैरह टंगने के लिए ये सारे हुक्स यहाँ पे काम आ जाते हैं। 2 हुक दे रखे हैं, ठीक है। लाइट का सिस्टम और होता हुक्स के साथ तो और ज़्यादा वेल एंड गुड हो जाता। पार्शियल ट्रे भी मिल जाती है। नीचे का हिसाब किताब देख लेते हैं। नीचे स्पेयरिंग व्हील है, स्पेयर व्हील इसमें आपको मिल जाता है, बट ये 14 inches है, 14 inch का स्पेयर व्हील इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। ऊपर का कुछ थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग वाली बात है, वरना इसको भी कवर करके ना बहुत अच्छा सा खासा सा बनाया जा सकता था। अब बातचीत रह गई हमारे इंजन की, इंजन के बारे में और बात कर लेते हैं। तो इंजन हमने बोनट खोल दिया है, तो इसमें आपको 3 सिलेंडर का 1.2 liter का इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। 82 bhp की पावर, 115 यानी 115 Nm का टोर्क आपको इसमें आपको ये गाड़ी जनरेट करके पावर देती है, ठीक है। इतना सारी खासियत इसमें आपको मिल जाती है, इनफ है, बढ़िया है। राइडिंग पावर बहुत अच्छी है, राइड आप करेंगे तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। ABS EBD की यूनिट आपको यहाँ पीछे देखने के लिए मिल जाता है। नीचे बड़ा खाली खाली सा, अगर इसको भी कवर अप किया जाता तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाता। थोड़ी कॉस्ट कटिंग भी दिख रही है, मगर गाड़ी फीचर्स के मामले में ओवरलोडेड फी बिल्कुल इतने कम बजट में इतनी बढ़िया गाड़ी मुझे नहीं लगता कोई दूसरी ऊपर होगी। यहाँ पे ABS EBD की यहाँ पे फिटिंग्स देखने के लिए मिलेंगी। ये हो गई हमारी गाड़ी की पूरी बात।
तो भाई साहब सामने अपनी थी हमारे इस वीडियो में सिट्रियन की C3 की शाइन, टॉप मॉडल है, टॉप वेरिएंट है, शाइन नाम से आता है। एक एयरक्रॉस भी आती है इसके, एयरक्रॉस भी इसके जैसे ही लगते, शायद इसी उसी से ये इंस्पायर है। ठीक है, तो हमारे इस तरीके की वीडियो थी भाई साहब। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो, और अगर आप कोई इंटरेस्टिंग गाड़ी है आपकी कोई ऐसी जिस पर वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ला के दूंगा। और अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।